सलामुअलैकुम। जानते हो? जी जानता हूँ। मुलाकात है, मजा आ रहा है मैच में? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, ऐसी हो जाए तीसरी पाली और मजा आ गया। फाइनल फाइनल जैसा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आप मुझे बताते रहो, मैं बोलता रहा हूँ। चलो मैं ही बोलता रहा हूँ, और जिसे भी दिलवाना हो दिलवाते रहे। ठीक है ठीक। स्पेशल इनाम किसको दिलवाना है? स्पेशल इनाम दे रहे किस किस से दिलवाने? कौन से हैं स्पेशल इनाम? फैसल खान, फैसल खान का बेटी के पास आ जाए। फैसल खान बुगरासी, फैसल खान बुगरासी, एफएम फैसल, एफएम टॉप फैसल खान। भाई मुजम्मिल भाई, पानी की बोतल मुझे दे देना। बहुत सुकून से बैठ जाए, रेस्ट कर ली, इसमें खुदाई होती है। इसमें जिन लोगों के स्पेशल इनाम आते वो दिए जाएंगे। सामने से रास्ता छोड़ दें, एक जगह झुंड बना कर खड़ा खड़े ना हो लोग, स्पेशल इनाम दिए जाएंगे। एक बोतल एक ऐलान ये है, वकार खान बुगरासी बॉम्बे टावर, जिन्होंने अभी बुगरासी की टीम को जीतने पे 11,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया था, उनकी तरफ से 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट के लिए 11,000 रुपए का ताउन किया जाता है। कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। वसीम खान अमरपुर वालों की तरफ से शिवराज खान को 500 रुपए बतौर इनाम दिए जाते हैं। और एक ऐलान ये है कि शेरपुर वाले अब्दुल रहमान भाई, जिन्होंने 15,000 रुपए का ताउन 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट जिरोरा में कमेटी के लिए किया है, कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और नूर नवाज भाई जो कहीं गुरु एकेडमी चलाते हैं, उन्होंने कमेटी को 15,000 का ताउन किया है, उनका भी बहुत इस्तकबाल करती है कमेटी उनके पैसे देने को। इनाम बता रहे हैं स्पेशल इनाम जो है, स्पेशल जिसको इनाम देना, स्पेशल उनसे पूछो किसको इनाम देना, वो बताइए फिर मुझे पूछो कौन कौन से इनाम। समझ नहीं रही पब्लिक कितने को बोले आप? गुलनामाज भाई के, गुलनामाज भाई के जो बोले हैं किसके बोले हैं? नूर नवाज है भाई, वो हिंदू गुरु एकेडमी के वो हैं यार। कितने रुपए? 15। नूर नवाज, नूर नवाज सर हैं, एकेडमी चलाते हैं। टीम होती शेरपुर की तो अलग ही मजा आ रहा होता। अब पहले डिसाइड करो कि कप्तान बनेगा कौन, तो तुम बन जाया करो सबके कप्तान, टीम खिला दिया करो। अब इस पे कमेंट्स आते रहते, सुनो एक मिनट, इस पे कमेंट्स आते हैं वीडियो पे कि शेरपुर से टीमें डर गई, शेरपुर से टीमें डर रही हैं, लेकिन ये पता नहीं लोगों को कि शेरपुर अपने आप ही मतलब भसूड़ी में है। ये जिम्मेदार आदमी है शेरपुर के सही दफ्तर, इनके सामने
मैंने मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि शेरपुर की टीम को मनाने भी गए थे, कहने भी गए थे, वहाँ कप्तानी को लेकर जो है वो भड्डा हो जाता है। शौक रखते हैं इससे बाकी महरूम रहेंगे, कोई बात नहीं है, आगे उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। टूर्नामेंट में जब आते हैं तो इस्तेफा से खेलते हैं, कभी गलत बात नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारे खून में बसती है कबड्डी, ये बात बिल्कुल जानते हैं कि हम ईद की तरह समझते हैं और यहाँ पर आकर बदमाशी करते हैं, ये क्या कौन सा कानून नहीं है। बिल्कुल अगर समझो तो ईद की तरह यहाँ क्या चक्कर मकर होती है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भाई रिश्तेदार मेहमान सारे हमारे अजीज ये सारे मुखालफत के लिए आते हैं, हम यहाँ मिलने के लिए आते हैं, वैसे साथ देते हैं कि हम ईद की तरह समझते हैं। अरे ईद की तरह समझो, बदतमीजी करो, कमेटी को खराब बताओगे, लेफरी को खराब बताओगे, इसलिए जीतने की हिम्मत रखो तो हारने की भी हिम्मत रखो। बिल्कुल सही बात, ये नहीं है कि जीत के मालिक का हार कौन करेगा और कौन ले गया। आज तक 50 साल से देख रहा हूँ कोई टीम पीटी हो और 12 बस्ती का कोई आदमी उन्हें प्लेयरों को ले गया हो तो बताओ, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यार मोहब्बत का खेल है, मोहब्बत से खेले जाओ, खेल पट कर देते हैं और फिर कहते हैं कराओ फिर यार का बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल हमने कभी बदतमीजी नहीं करी, हम 50 साल से नुमाइंदे। बिल्कुल 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 प्रधान जी, किसी को शानू क्या कहना चाहोगे सर, मजा आ रहा है मैच में? बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही है। ये अच्छा हुआ एक पाली हो गई क्योंकि तीसरी पाली देखने को मिल जाएगी। बहुत बढ़िया पाली भी, बहुत अच्छा खेल रही है बुगरासी भी, बहुत बढ़िया शानदार खेल हो रहा है। हटाओ जी, हारिफ हकीम जी से मिलने। आज तो राशिद कुछ कह दो, आज तो कह दो कोई एक अल्फाज तो कह दो। नहीं, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है और मजा आ गया टूर्नामेंट में, कामयाब हो गया सबकी, इसकी सबको मुबारक, हौसला बढ़ गया कराने के लिए, आगे आगे टूर्नामेंट कराने के लिए। अगर ये है अच्छा अच्छा आज खुशी में कह दो, अक्टूबर में बुग्राफी में चलो कह दो, मेरे हाथ में कह दो फिर भी एक बार इंशाल्लाह कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी अक्टूबर में टूर्नामेंट कराया जाए, ओपन कराया जाएगा, पाबंदी नहीं होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई जी भाई मजा आ रहा, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, बहुत शानदार, हमारे कैरियर है सपोर्टर है, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तमाम खिलाड़ी जितने लोगों ने सुना है मैं बता दूं, अपनी अपनी तैयारी करो, सेहत बनाओ और दूर रहो गलत चीजों से और खेलने के लिए तैयार हो जाओ अक्टूबर में। क्या कहो बंचा जी, बताओ क्या कहना चाहते हो अब जो हुई दूसरी पाली? दूसरी पाली बसी ने करी है, बहुत अच्छा खेल का मुजाहिरा हो रहा, पहली पाली बगरासी ने करी थी, दूसरी पाली बसी ने करी, बहुत अच्छा खेल देखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा, जो भी जीतेगा वो बेस्ट ऑफ लक आएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब जो है थोड़ा सा मोमेंटो टाइम है, जो स्पेशल इनाम है, क्योंकि थोड़े से इनाम कम हो जाएंगे तो फिर बाद में देने में आसानी रहेगी। तो जफीर भाई कहाँ है, जफीर पे कहेंगे थोड़े से इनाम बांट दें, उसके बाद जो तीसरी पाली हो जाएगी इतने चलिए दे दो। नाम लिखवा के लेकर आ रहा हूँ, पहले स्टाफ से शुरू कर रहे हैं। हाँ स्टाफ से नाम लिखवा के ला रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हसीम भाई नर्सरी है इनकी, क्या कहना चाहेंगे सर, खेल देगा कैसा मजा? पहली बार आया बहुत दिल लग रहा है जी, और बहुत बहुत शुक्रिया किरोरे का और हमारे मम्मिया सुगर का जो इज्जत से नवाजा जी। शुक्रिया आपका है, आप जो ये ट्रॉफी लेके आए हैं इसने इस टूर्नामेंट में आके 4 चांद लगा दिए। आखिर में माइक पे जो ऐलान करूंगा उससे और मजा आएगा। आई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस तरह के जो लोग हैं जो हमेशा कोऑपरेट करते हैं कमेटी को, टीमों को, खेल को, तो ये खेल ऐसे ही जिंदा हो सकता है। एक बार कोशिश की थी और कोशिश जो है वो कामयाब है कहीं ना कहीं। मेरे सामने ताज भाई खड़े हैं, प्रधान जी ताज भाई एक ऐलान ये है, देखिए माशाल्लाह और मशरूफ वाली बात है, जहाँ बसी की और रेफरशिप से खुश होकर जितने भी दर्शक है सबको मजा आ रहा होगा, असल मुर्गों की लड़ाई हो रही है, असल मुर्गे देसी घी वाले मुर्गे। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा बसी की टीम यहाँ जीतेगी, मेरे मालिक ने चाहा, इसके हक में बेहतरी होगी वो टीम जीतेगी। लेकिन मैच अभी तक दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, जैसा फाइनल होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा अच्छा फाइनल हो रहा है। लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुगरासी की टीम बसी की टीम के साथ ऐसा खेलेगी, लेकिन बुगरासी ने कोई कहता 100% मैं कर रहा हूँ 1000% अपने परफॉर्मेंस दिए और शानदार खेल खेला, बेहतरीन खेल हुआ। खिलाड़ी बुगरासी के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, बढ़िया खिलाड़ी है, बढ़िया खेलने वाले, बहुत शानदार खेल, बहुत शानदार बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो एक कस्बे की टीम है, नहीं कोई बात नहीं, खेल में कोई कस्बा और कोई होता, खेल होता है। Bye.
दीपक इंदौलिया, योगेंद्र चौधरी, पंकज सिंह, सत्येंद्र चिंकारा, धर्मेंद्र, विपिन शर्मा, प्रशांत बुलाओ तो बुलाओ इनसे कांगे वो फैसल भाई का लो ये पकड़ो, ये पकड़ो, ले पकड़ो, तुम ये पकड़ो, मैं दे दूँ इनसे। मैं इनसे इस गेम की हिस्ट्री बोले तो जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। इनसे कुछ ना कुछ चाहे इनसे कुछ ना कुछ इनसे कुछ ना हिस्ट्री बोले बहुत अच्छी बात है। यहाँ से गेम लाओ क्या उठानी है तो पसी के प्रधान जी की तरफ से 13,000 का बतौर इनाम दिए जाएंगे। पसी के प्रधान साजन की तरफ से बतौर इनाम 13,000 रुपए दिए जाएंगे। अब थोड़े सामने से रास्ता छोड़ दें, मैं रेफरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा, ये रेफरी साहब और रफीर खान पसी जो बैठे हैं थोड़ी चेयर पीछे कर ले, तो थोड़ा हमें कुछ इनाम देने हैं जिससे कि रास्ता क्लियर हो जाए। अब मैं थोड़ा फैसल खां प्लीज रास्ते में नहीं, ये रास्ता है थोड़ा सा। अब मैं अब मैच खत्म होने से पहले हम सबसे पहले कुछ लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं जिनका इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिस दिन से टूर्नामेंट शुरू हुआ और आज फाइनल तक, उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और टूर्नामेंट के खत्म होने के भी 20 मिनट बाद तक बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया और यहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम किया। ये 12 बस्ती कबड्डी टूर्नामेंट की कमेटी उनका तय दिल से इस्तकबाल करती है थाना खानपुर के पुलिस प्रशासन का। तो मैं इसमें आमंत्रित करूंगा जनाब ऋतिक राणा साहब को, कब वो कमेटी के पास आए। जनाब ऋतिक राणा साहब को हमारे जनाब गुबैदुर रहमान खान साहब, तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। तालियां बजाकर जनाब ऋतिक राणा साहब तो रख लीजिएगा। अब हमारे जो हलका इंचार्ज है बहुत जुझारू टाइम टू टाइम ड्यूटी देने वाले बहुत मेहनती जनाब कोठी राम साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कमेटी के अंदर। जनाब कोठी राम साहब, जनाब खलीफा साहब, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कोठी राम साहब। अब मैं जनाब दीपक इंदौलिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और इसके लिए मैं मेरे बड़े भाई जनाब तहसीन खान साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। जनाब तहसीन खान साहब अब मैं जनाब लोकेंद्र चौधरी साहब को आमंत्रित करूंगा तो वो कमेटी के पास तशरीफ लाएं। इसके लिए मैं जनाब हमारे वालिद जनाब सगीर खान साहब को मैं आमंत्रित करूंगा तो वो इन्हें बात का जवाब दें। मैं जनाब पंकज सिंह साहब को आमंत्रित करूंगा तो कमेटी के पास तशरीफ लाए पंकज सिंह साहब। और इनके लिए मैं जनाब हाजी तस्लीम खान साहब को कहूंगा कि वो इनाम से नवाजे। जनाब तस्लीम खान साहब जनाब सत्येंद्र चिंकारा साहब को मैं आमंत्रित करूंगा और इनमें इनाम के लिए मैं जनाब खुर्शीद सैफी जो गिरौरा के वर्तमान प्रधान है उन्हें आमंत्रित करूंगा।
तालिये बजा करो तालिये। अब मैं जनाब धर्मेंद्र साहब को आमंत्रित करूंगा और इस इनाम के लिए मैं जनाब अजीम हैदर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनाम से नवाजें। जनाब अजीम हैदर खान साहब जनाब रुबी शर्मा से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और इसके लिए मैं जनाब हाजी मोरदमा खान साहब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनाम से नवाजें। जनाब हाजी मोरदमा खान साहब अब मैं जनाब प्रशांत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तशरीफ लाएं और इस इनाम के लिए मैं जनाब मुजम्मिल खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बसी की पी टीम से माजियान अगर फील्ड में हो तो तशरीफ ले आए माजियान बसी की पी टीम से केसीपुर से अमन तशरीफ ले आए केसीपुर से अमन उगरासी से अनस रेडर तशरीफ ले आए किरोरे से वकार रेडर तशरीफ ले आए इन इनाम के लिए मैं जनाब अकरम खान साहब अलीसुज्जमान खान साहब हाजी करीमुद्दीन साहब बेगोपुर प्रधान शानू खान साहब केसपुर के छोटी टीम के कप्तान आ जाओ मन का इनाम लेने के लिए आ जाओ अनस Thank you.
बसी के साथ मुनीर खान साहब की तरफ से बसी की टीम को जीतने पे 5100 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। ये जो इस टूर्नामेंट को चलाया जिन लोगों ने और टूर्नामेंट के अंदर रेफरशिप की कमेटी की तरफ से उनके लिए इनामात हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब राशिद खान साहब उपग्रासित है तो कमेटी के पास तशरीफ लेकर आए और इन्हें इनाम देने के लिए जनाब सईद अख्तर खान साहब शेरपुर से मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के पास तशरीफ लाए जनाब सईद अख्तर खान साहब। बस तालियां बजा दिया करो, कंजूसी मत करो, मैं खेल पर कम बजा दूंगा तालियां, इनाम पर ज्यादा नहीं बजाएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा उपराजी से जनाब प्रिंसिपल अयाज अहमद खान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आज के इस शानदार रेफरशिप के लिए मैं जनाब ओएस अहमद खान साहब चंदियाना से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं, जिन्होंने बहुत शानदार रेफरशिप की है, बहुत शानदार जो तारीफ के लायक है जनाब ओएस अहमद। नजर क्या हो रहा है, रेफरी दलवाओ जल्दी से, रेफरी दलवाओ जल्दी। अफजल खान की तरफ से अगर बसी की टीम जीतती है तो बतौर इनाम 5100 रुपए दिए जाएंगे। बसी के लिए बड़े ऑफर मिलते हैं, बड़ी खुशखबरी है, पसीना फुसक कर हो जाओ चेहरे। अब रेफरशिप के लिए मैं जनाब रफीर खान साहब बसी से गुजारिश करूंगा तशरीफ लेकर आए और उन्हें इनाम देने के लिए जनाब हकीम आरिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए गुजरात। अब जिन्होंने टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ली है अपने कांधों पर और रेफरशिप भी की है और पूरे टूर्नामेंट को संभाल के रखा है, जनाब जबीर खान साहब एक्स प्रधान फ्रॉम गिरौरा, मैं चाहूंगा वो आए और जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अली खुद नाम भाई आए और उनको इनाम दे दे। हनीफ भाई सॉरी, जोरदार तालियां बजा दो जबीर भाई के लिए, इनाम के लिए भी और टूर्नामेंट के लिए भी। बहुत शानदार। अब मैं रेफरी साहब का गुजारिश करूंगा, खाना तैयार हो गया हो तो बाकी इनाम का जो दौर चलेगा वो
दोनों मैच फाइनल होने के बाद चलेगा। वॉलंटियर थोड़ा फील्ड को काबू में करें, जो लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी जगह ले लें, जहां बैठने हैं बैठ जाएं, भागना दौड़ना बंद करें। तो मैच एक बार फिर शुरू हो रहा है और उसके बाद जो है बाकी का इनाम जो है वो मैच फाइनल होने के बाद दिया जाएगा। तो आप तमाम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और लगभग दोनों ही टीमों को रेस्ट भी मिल गया है। एक एक पाली दोनों ने कर दी है। जो मैच शुरू हुआ था पहली पाली बुगरासी ने की थी तो दूसरी पाली बसी ने की थी। सांस बसी का है। मार दिया, पहला सांस हो गया। बहुत कोने में जाके बैठ जाते हैं, शिराज की स्पेशलिटी है, कोने में जाके बैठ जाते हैं। बैठ जाया करो, नीचे बैठ जाया करो। बेहतरीन सांस, हाथों में आया हुआ बिल्कुल निकल गए, बहुत बढ़िया हाथ। बेहतरीन सांस, डॉल पे पकड़ने की कोशिश, शानदार सांस। बेहतरीन सांस, दोनों ही टीमों से शानदार सांस लगते हुए अभी तक, बसी के भी और बुगरासी के भी। ओ बहुत बढ़िया, वो कह रहे हैं शिराज कोई बनी, हालांकि पार्ट ऑफ अ गेम है और ये स्पोर्ट स्पिरिट है, ये स्पोर्ट स्पिरिट लग जाता है। जला हुआ, जले हुए पारे हुए हैं, सांस नहीं तोड़ा था, पाले से बाहर चले गए और पकड़िया के हाथ लगानी, दो खिलाड़ी बैठ गए बसी के। तीन खिलाड़ी बैठ गए बसी के। बहुत बढ़िया, शानदार, चार प्लेयर बैठ गए हैं बसी के। चल बेटा पौधा बचा के, टांग पहुंचा। दोबारा पांचवा प्लेयर बैठ चुका है, पांचवा प्लेयर बैठ गया। छह प्लेयर बैठ गए बसी के। सात बसी के प्लेयर बैठ गए, सात। उस पाले में बैठा करो, उस पाले पे। बेहतरीन सांस,
रेफरी साहब एक मिनट जरा, दोनों टीमों का सपोर्ट सपोर्टर्स और पब्लिक एक बात का ध्यान रखें, मैंने ये ऐलान कई बार किया है, जब रेडर सांस लेकर चले तो खामोशी के साथ में उसे देखें, शोर मचाना शुरू ना करें। अगर आप पहले ही शोर मचाना शुरू कर देंगे समझ में नहीं आएगा कि सांस आ या नहीं था, तो क्या डिसीजन रेफरी साहब ले पाएंगे, उसमें किसी का भी नुकसान हो सकता है। जब फाइनल डिसीजन आ जाए, जब तालियां बजाइए, हौसला अफजाई करिए, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन शुरू में रोल मत मचाइए। इस बात के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ। पकड़ के लिए। आज का मेरा बेस्ट अगर कोई कैचर है तो वो शोएब है, इस मैच के लिए बुगरासी शोएब है, बेहतरीन पकड़े की है। बेहतरीन तीन तीन छह और एक सात प्लेयर बैठे हैं बुगरासी के, सॉरी बसी के। दोबारा कर लो ना, ओ दोबारा कर लो, दोबारा दोबारा सॉलिड भाई, दोबारा 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 सॉलिड भाई, बाहर का लोग फील्ड में अंदर कोई ना आए, सॉलिड भाई ठीक है, दोबारा बात करें अपनी जगह से। बढ़िया सा एक दो तीन चार पांच छह सात खिलाड़ी बैठे हैं बसी के। अभी मैं पीछू का पीछू बेहतरीन सांस कवरेज का, कोई बात है सही था डिसीजन क्लियर। बेहतरीन धकेल दिया हारून भाई को, तीन तीन छह सात प्लेयर बसी के बैठे हैं, हबीब भाई अपनी ताकत पे खेलना है। बहुत बढ़िया हाथ डाले थे शुएब ने, कहीं ना कहीं ताकत का और सेहत का जो है वो हिसाब किताब रह गया कम। कई पकड़ हो जाएगी, पकड़ हो गई, पकड़ पांच खिलाड़ी बचे अभी आउट हुए बैठे। आमिर शेरपुर गेट पर है, उन्हें अंदर ले लें, आमिर शेरपुर गेट पर प्लीज भैया। बस बुगरासी के दो प्लेयर बैठे अभी, खेल चल रहा है, तेज खेल, बहुत तेज खेल चल रहा है। तीन और दो पांच शानदार, बहुत प्यारा गेम होता हुआ, बहुत प्यारा गेम। पकड़े
दोनों टीमों को शाबाश, बहुत बढ़िया गेंद दिखाया पतलू को दोनों टीमों ने, बहुत बढ़िया शाबाश दोनों टीमों। अबे तू का रिजवान वहां बैठ तू। अबे सलीका नहीं जानते हो तुम, आदमी पानी भी नहीं पिएगा, देख रहा है बिठाने वाला, देख रहा अपना काट में बैठे हैं सलीके के साथ, बेरोज ना करे। पानी पीने गया, कह के गया पानी पीने के लिए यार। पानी वाले कहाँ है, पानी की बाल्टी में पानी तो पिलाओ। बेहतरीन सांस अभी भाई का, तीन और तीन छह, सात खिलाड़ी बैठे हैं, जिनके पास पानी का जगह यहाँ पर पहुंचा दे, प्लेयर परेशान हो रहे हैं। और ये पकड़ हो गए, खिलाड़ी बैठ गए हैं इनके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ खिलाड़ी बैठ गए हैं, आठ खिलाड़ी बैठ गए बसी के। नौ बैठ गए, तीन तीन छः और दो आठ, बेहतरीन सांस, तीन तीन छः तीन नौ खिलाड़ी बैठ गए, नौ नौ खिलाड़ी बैठ गए बसी के, नौ जल गए। और अगर ये लास्ट पकड़ ना हुई तो पाली हो जाएगी बसी पे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस दस, भोलू भाई हो गया, भोलू भाई अगर ये लास्ट सांस लगा दिया तो बुकरासी ये मैच जीत जाएगी, लास्ट सांस लगा दिया तो बुकरासी ये मैच जीत जाएगी, लास्ट सांस अगर लगा दिया तो बुकरासी ये मैच जीत जाएगी। बुकरासी ने यह मैच जीत लिया है, बहुत शानदार मैच, बहुत तगड़ी टीम बसी की जिसको बुकरासी ने हरा दिया है। फैसल भाई, राशिद भाई खामोश करो, राशिद ना बाहर करने दो, बाहर कोई बात नहीं है, बहुत तगड़ा खेल हुआ, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार। फैसल भाई को बुलाओ, फैसल भाई को, फैसल भाई की तरफ से कमेटी को 5,000 रुपए का टाउन किया जाता है, कमेटी तय दिन का उनका शुक्रिया अदा करती है, आपका शुक्रिया अदा करती है। देखिए उधर माइक देखिए, फैसल भाई ये पकड़ लो, शानदार मैच, बाकी खुशी जो है वो बुकरासी जाके मनाएंगे और यहाँ भी मना सकते हैं, लेकिन तभी इसके दायरे में बहुत बढ़िया खेल हुआ है, बसी ने भी अच्छा खेल दिखाया, बुकरासी ने भी अच्छा खेल दिखाया और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फाइनल अपने चरम को पहुंचा और कामयाब हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद गिरौरे वालों को, जो गिरौरे वालों ने इतना शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, इसमें श्री सबीर भाई प्रधान जी को और जितने भी लोग यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी जो देनी चाहिए वो गिरौरे ने दी है और बेहतरीन तरीके से दी है। गिरौरा जो है हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि गिरौरे ने कुर्बानी दी थी टूर्नामेंट में, लेकिन आज दोनों ही टीमें शानदार खेली है, चाहे फिर वो बसी की टीम हो या फिर बुकरासी की टीम हो, लाजवाब खेल हुआ, जैसा फाइनल होना चाहिए था वैसा ही हुआ है। अब शांतिपूर्वक शांति बना लें, जो मोमेंटो है जो इनाम है फर्स्ट और सेकेंड वो बांटे जाएंगे। कितना अच्छा खेल हुआ देखा आपने, जो चार पांच साल से नहीं हो रहा था गिरौरा वाले ने इसको जिंदा कर दिया, गिरौरा जिंदाबाद, गिरौरा जिंदा हुआ। और इसकी जो है सिर्फ चीज ये है,
यहाँ पर बप्पन भाई बैठे हुए हैं, गिरोह वालों का हौसला बप्पन भाई ने बढ़ाया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत एक दूसरे लोग हौसला बढ़ाते हैं तभी लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं बप्पन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खेल को जिंदा करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ। और सामने से हट जाएंगे, इनाम बटेंगे, सब बैठे लगा तो जितना अच्छा खेल बनाया इन्होंने, सामने से हट जाएंगे, जो भी इनाम दिए जाएंगे आप ट्रेन की हौसला अफजाई करेंगे और सामने से हट जाएंगे। थोड़ा एक थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, जो साथ में खड़े थोड़े दूर खड़े हो जाए, अब इनामात के लिए बुलाए जाएंगे, सामने का मैदान खाली खोल दीजिए प्लीज, प्लीज वॉलंटियर इन्हें हटाइए, इन बच्चे को हटाइए, बेटा पीछे हट जाइए आप, चलो चलो पीछे थोड़े पीछे पीछे हट जाइए, पीछे हटो पीछे, उल्लो थोड़े से इन लोगों को पीछे हटा दीजिए, हाफिज जी प्लीज थोड़ा इन्हें पीछे कर दीजिए, साजिद खान सामने से लोगों को हटा दीजिए, इनाम के लिए बुलाए जाएंगे, पीछे पहुंच जाइए अब प्लीज, उनके पास गेट की चाबी है, गेट खोल दो, कहीं खुशी में गेट में दौड़ दे, बुगरासी के ध्यान रखो इस बात का, बेटे गेट खोल दो शराफत से, बहुत बढ़िया हेलो, जो टीमें इस टूर्नामेंट में खेली हैं उसमें हमारे जो बाराबंकी की टीम है उसमें चार टीमें नहीं आ पाई थी, ठीक है, लेकिन जो चार टीमें आई थी उनमें गिरौरा, केसीपुर, उबरासी और बसी, मैं चारों ही टीमों के नुमाइंदों को चाहूंगा कि वो कमेटी के पास आ जाएं, उनका जो मोमेंटो है उसमें उन्हें नवाजा जाएगा, प्लीज चारों टीमों के जो नुमाइंदे हैं वो आ जाएं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा केसीपुर से उफरान खान हैं, जो केसीपुर के नुमाइंदे वो आ जाएं। खान पठान, राशिद भाई, ताहिर भाई और असलम भाई तीनों आ जाएं, केसीपुर के नुमाइंदे उफरान खान को जो है वो मेमोरी से देकर नवाजे, सरदार भाई भी आ जाएंगे, गिरोरा आ जाएंगे, सरदार चा सॉरी दे देना साथ साथ मोमेंट तो दे दो, ये दे दो ट्रॉफी, हाँ ये केसीपुर से दूसरे नुमाइंदे हैं तौहीद खान साहब, अगर वो ग्राउंड पे हैं या उन्हीं के बिहार पे, मैं चाहूंगा गुफरान उनका इनाम गुफरान ही ले ले, तौहीद भाई का जो नुमाइंदे केसीपुर के ले लो, तुम्हें ले लो तौहीद भाई केसीपुर से दूसरे नुमाइंदे। अब मैं चाहूंगा बसी के जो नुमाइंदे हैं जफीर खान साहब और अफजाल खान साहब आगे आ जाएं दोनों, राशिद चा से गुजारिश करूंगा कि इनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अफजाल भाई दूसरे नुमाइंदे बसी, ताहिर चा से गुजारिश करूंगा कि इनको मोमेंटो देकर नवाजा जाए। उबरासी के जो नुमाइंदे हैं, अगर सौलत भाई ने खुशी मना ली हो, सेलिब्रेशन हो चुका हो, तो प्लीज कमेटी के पास आ जाए, सौलत भाई आ जाए, उबरासी से नुमाइंदे सौलत भाई,
ताहिर भाई आप सोलह भाई को भी ये मोमेंट दे रहे मोहब्बत से, दोनों को एक दूसरे से दिलवा देता हूँ। रफू भाई आ जाए, उनके बेटे ने शानदार खेल दिखाया है, बहुत बढ़िया। और दूसरे नुमाइंदे जो है वो ताहिर भाई है गुजराती की टीम के, हाँ नुमाइंदे ताहिर भाई, रफू भाई देंगे उनको ये मोमेंटो ताहिर भाई को। इधर सामने कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ सीधा कर लीजिए, बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ सकते हो भाई साहब, आपके लिए खुशी का माहौल है, बिल्कुल आ सकते हो, वेलकम डुगराफी, वेलकम डुगराफी। अब मैं चाहूंगा गिरौरे के जो नुमाइंदे हैं शाहिद भाई और मुजम्मिल भाई दोनों आ जाएं और मोमेंटो ले लें। नदीम भाई किसे कराएंगे? नदीम भाई आ जाए, नदीम भाई ये मोमेंटो देने के लिए नदीम भाई आ जाए। मुजम्मिल भाई एक नदीम भाई से दिलवा देंगे, किनसे दिलवा देंगे? आइए नदीम भाई आइए, मोमेंटो दो। शाहिद भाई कहाँ? शाहिद भाई भाई दिल्ली है, शाहिद भाई का जो मोमेंटो है फलीफ भाई दे देंगे। फलीफ भाई, फलीफ भाई आइए आप, उनके भी आपसे कौन ले रहा है? बंटू भाई बाहर बाहर, ये तो कहाँ? मैं तो ग्राउंड में हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट में जो है वो कैचिंग देखी जाती है, लेकिन मैं जिस तरह से इसकी सेहत है बहुत शानदार खेलता है, बहुत अच्छी पकड़ करता है, बुगरासी की विनर टीम का कैचर श्वेब, मैं उसको बुलाना चाहूंगा, बेस्ट कैचर ऑफ द टूर्नामेंट उसको जो है ट्रॉफी दी जाएगी। क्या नाम है? एक हजार रुपये अब्दुल्ला की तरफ से इनको दिए जाएंगे, बेस्ट कैचर ऑफ द टूर्नामेंट श्वेब आज की शानदार पकड़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे हो जाओ, पीछे 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 होते रहो। पसी हारी जरूर है लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जिन जीता है। मैं चाहूंगा तबरेज आ जाए, तबरेज 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 फ्रॉम पसी, तबरेज 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 गए वो बाइकों पे निकल गए, अरे उनका तबरेज आ गए, तबरेज नहीं है भैया, ऐसी एक ट्रॉफी और थी जैसी अभी दिए हो कहाँ? निकल लो, जा रहा हूँ तो वीडियो बनाना, तो जा भैया तब पर आगे पूजा अली भाई आ जाइए आप। बहुत शानदार मैच लगा है अपने पूरे टूर्नामेंट में, आपको बेस्ट रेडर का ये जो है मोमेंटो दिया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार खेल, बहुत शानदार खेल। अब मैं चाहूंगा जफीर भाई के हाथ में माइक इसलिए दूंगा क्योंकि सबसे पहले अगर जफीर भाई हम रनर का इनाम दें या फिर विनर का इनाम दें, जैसे आप चाहें, रनर तो रनर टीम जो है वो लाइनअप हो जाए, बस्ती की जो टीम है रनर टीम लाइनअप हो जाए, क्योंकि आने में दिक्कत नहीं होगी, इनाम देने में दिक्कत नहीं होगी, गैप बना ले प्लीज, गैप बना ले। आपने पीछे आज और कोऑपरेट कर लो, सिर्फ आधे घंटे कोऑपरेट कर लो,
बबरासी को बखार भाई 1100 रुपए दे रहे हैं मुंबई से, जो बबरासी ताल्लुक रखते हैं। आज भी ले लो कैश, ले लो शोएब, आ जाओ 1100 रुपए कैश बखार भाई की तरफ से। उनके यहाँ पे बतनचा जो है वो 1100 रुपए दे रहे हैं। बखार भाई ने कहा उनको फोन करके कि शोएब की पकड़ो, देखने को 1100 रुपए का इनाम। थोड़ी सी देर के लिए और माहौल बना ले, थोड़े लोग पीछे हो जाएं और दोनों टीमें लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, दोनों टीमों के प्लेयर जितने के फोटो वगैरह में आ जाए, थोड़ा सामने में आ जाए, बेटे लाइन और रास्ता छोड़ दे सामने से, हम पब्लिक दोनों टीमें वहां से पीछे पीछे लाइन लगाएं, पीछे हो जाइए प्लीज प्लीज भैया, थोड़ी देर के लिए दोनों टीमें लाइन लगा लें, दोनों टीमें अपनी अपनी यहीं से पीछे पीछे, यहाँ से पीछे पीछे लगाइए लाइन, एक लाइन हो जाए दूसरी बसी आ जाएगी, बसी इस लाइन में हो जाए, इस साइड में बुग्रासी साइड में मेडल निकाले ना, मेडल बसी साइड में हो जाइए थोड़ा बेटा, थोड़ा थोड़ा सा तुम मेहनत के फैसल खान के पीछे वाले इधर हो जाइए थोड़ा सा, किसी भी लड़के को दे ग्रुपिंग हो रहा है अच्छी तरीके से आ जाएगा, लाइन में अच्छा लगता है भाई, कैप्टन दो कैमरा यार, कप्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, बुगरासी के जो विनर टीम के कप्तान है वो यहाँ आ गए, जरा बखार भाई ने जो पैसे देने का ऐलान किया था वो कैश पैसे दिया है, जोरदार ताली कर उनके ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने ऐलान किया था 1100 रुपए भाई की तरफ से दे रहा हूँ, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, भाई बहुत शानदार खेले, बहुत लाजवाब, बाकी वाले बहुत लाजवाब, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा रहे, जल्दी तुम्हारी थोड़ी गलत हो जाएगी, जब बब्बन भाई कह रहे हैं कितना सही रहता है, करता हूँ कहता हूँ मिला रहे हैं अच्छा लगेगा मुझे, सही बात है, नजर कैप्टन साहब को सौलत भाई के सबके सामने दे दिए 11000 रुपए, सुन भी रहे, हैंड भी कर रखा है, बात करेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया बकार भाई, पूरी हमारी टीम की तरफ से, मैं कप्तान हबीब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सौलत बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम भैया, आपकी बहुत कमी खली है हमें, और आपकी जो नाम राशि जो बब्बन भाई ने दी और शुएब के लिए 1000 रुपए जो आपने कहा था 1100 रुपए, इसके अलावा पार्टी भी लेनी है आपको, आ जाइए जी जी, कमेटी ने भी शुक्रिया आपका, और आप सब पार्टी लेनी है ना, बच्चों को आ जाओ चलिए।
ठीक है सामने से हट जाओगे मजा नहीं आने का फोटो आपके आपको फोटो फ्रेम में नहीं आने के अरे सीधे सीधे खड़े हो सीधे सीधे खड़े हो जाओ सीधे सीधे खड़े जाओ सीधे सीधे आप रनर टीम के लिए जो इसका सिलसिला चलेगा उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से जो ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई काफी टाइम से ये टूर्नामेंट बंद था और इसके ऊपर नस्ल की फिर रोशनी डालना चाहूंगा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा हमारा मकसद आप सब लोग जानते हैं गिरौरे की कोई टीम नहीं गिरौरे के कोई अच्छे प्लेयर नहीं ना गिरौरे की टीम कभी फाइनल सेमीफाइनल खेलती बहुत ज्यादा अगर कहें तो खेल के एतबार से कमजोर टीम है लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी टीम कमजोर है या टीम है या हमारी टीम कभी जीत है या हार है हमारा हमेशा सिर्फ मकसद ये रहा कहीं भी टूर्नामेंट हुआ चाहे बहादुरगढ़ हुआ गुजराती हुआ जैसे भी हमारी टीम हो हमने टूर्नामेंट के अंदर शिरकत की शौक को जारी रखने के लिए पहले काफी वर्षों के बाद ये शौक थोड़ा सा डाउन हो गया था और टूर्नामेंट होने बंद हो गए थे तो 2001 में जब काफी साल टूर्नामेंट नहीं हुआ तो गिरौरे की कमेटी ने सिलसिला उठाया 2001 के अंदर टूर्नामेंट कराने का काम किया जिससे शौक दोबारा जिंदा हुआ फिर और गांवों के अंदर भी प्रैक्टिस हुई और टूर्नामेंट भी हुए फिर दोबारा से गुजराती के अंदर टूर्नामेंट होने शुरू हो गए तो उससे ये जाहिर हुआ टूर्नामेंट का मकसद ये था सिर्फ शौक को जगाना शौक जाग गया बीच में भी हमने टूर्नामेंट कराया और अब पीछे गुजराती के हमारे जो इस टूर्नामेंट कराने के शौकीन रहे हैं हमेशा उनका बहुत ज्यादा शौक रहता जनाब राशिद साहब जब जब उन्होंने टूर्नामेंट कराया हमारा उसमें पूरा सहयोग रहा हर तरह से हम साथ रहे और रहेंगे इंशाल्लाह ताला लेकिन पीछे थोड़ा सा माहौल खराब होने की वजह से गुजराती के अंदर कई साल से फिर टूर्नामेंट नहीं हुआ टूर्नामेंट न होने के लिए खाली एक गुजराती राशिद भाई कसूरवार नहीं हम सब कसूरवार हैं क्या हमने कभी ये सोचा कि इतने सालों से टूर्नामेंट नहीं हो रहा तो हम बाराबस्ती के लिए ये इकलौता ऐसा खेल है जो बाराबस्ती में खेला जाता कि हम सब बाराबस्ती के लोग एक जगह बैठे और बैठ के शौक को आगे बढ़ाने का काम करें हमने कभी नहीं सोचा या अगर बुगराती के बहादुरगढ़ के बीच में कोई टूर्नामेंट के अंदर बात हो गई क्या हमने उसके ऊपर बाराबस्ती के जिम्मेदार लोगों ने काम किया अगर शौक को हम जिंदा रखने चाहते हैं क्या हमने बुगराती के लोगों से मिले और बहादुरगढ़ के लोगों से उनकी आपस में तालमेल अच्छा कराने की बात की कि अगर इन दोनों का तालमेल अच्छा हो जाए तो शौक आगे बढ़े नहीं किया तो फिर हमें भी इस बात की जिम्मेदारी निभानी चाहिए अकेले टूर्नामेंट कराने वाले को नहीं या किसी एक सदस्य की एक गांव की जिम्मेदारी नहीं बनती जब ये हमारा सबका शौक है इस शौक को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सब बाराबस्ती के लोगों की बनती है तो हमें सबको मिलजुल कर कहीं पे भी टूर्नामेंट हो किसी तरह का टूर्नामेंट हो मिलजुल के इसमें सहयोग करना चाहिए और इस शौक को जिंदा रखना चाहिए अब ये टूर्नामेंट कराने का जब काफी टाइम से नहीं हो पा रहा था हमने कराने का इसमें आगे कदम बढ़ाया और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस टूर्नामेंट की शुरुआत करने के लिए ये दो लड़कों का फैसल और मजहर का एफएम टॉप का इन्होंने मेरे से आने के बात की और मेरे दिमाग में बात डाली कि जसीर भाई बहुत टाइम से टूर्नामेंट बंद है टूर्नामेंट ये दफन होने के लिए जा रहा खेल प्लीज आप आगे बढ़िए हम हर तरह से आपको टाइम देंगे आपके साथ रहेंगे हमारा हौसला बना हमने टूर्नामेंट कराने का इरादा बनाया इरादा बनाते के साथ ही हमारे जनाब जुबैतुर रहमान साहब बब्बन भाई ने टूर्नामेंट कराने के लिए हमें बहुत हौसला बढ़ाया और उन्होंने 25,000 रुपए की धनराशि भी टूर्नामेंट कराने के लिए दी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका नहीं जिन जिन लोगों का भी मैंने ऐलान किया है मैं दोबारा कॉपी देख के सबका ऐलान कर दूंगा जिन सब लोगों ने टाउन किया है हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरे गिरौरे की कमेटी की तरफ से सब लोगों का शुक्रिया जिन जिन्होंने भी टूर्नामेंट के अंदर टाउन किया और एक टूर्नामेंट के अंदर माहौल बनाने के लिए टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने के लिए टूर्नामेंट की बदअमनी दूर करने के लिए टूर्नामेंट के अंदर अमन पैदा करने के लिए हमें थोड़ा टाइट भी बोलना पड़ता है प्यार भी करना पड़ता है डांटना भी पड़ता है तो अगर मैंने किसी को डांटा हो उसके दिल को तकलीफ पहुंची हो मेरी तरफ से तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा मैं जनाब बब्बन भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल से रखें सबसे पहले तो मैं फकीर भाई को गिरौरे के लोगों को प्रधान जी को सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ इंतजाम किया और खेल कराया और इस बाराबस्ती के खेल को जिंदा किया और यहाँ पकड़ासी की टीम जीती उसे मैं मुबारकबाद देता हूँ बसी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया और सेकंड रहे
मैं ये एक ऐलान कर रहा हूँ कि ये बाराबस्ती का एक परंपरागत खेल है जो सिर्फ बाराबस्ती में खेला जाता है। अगर इस खेल में कोई लोग दिलचस्पी लेकर कोई स्टेडियम बनवाना चाहे या प्रशासन बनवाना चाहे तो मेरी तरफ से 1,01,000 रुपए सबसे पहले दूंगा। प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोई एमपी बनवाना चाहे एमएलए बनवाना चाहे और उस पर फंड की जरूरत हो तो 1,01,000 रुपए मेरी तरफ से सबसे पहले मैं दूंगा उसे। और इस खेल को मैं चाहूंगा कि आगे भी किसी तरह प्यार से खेलते रहे और इस खेल को आगे बढ़ाएं। और मदर भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने लाइव चला के पूरी दुनिया को दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम खान साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत अपने ख्याल और जज्बात बहुत ही अच्छे हमारा ग्रोह के साथ दिया और वक्त से पहले माशाल्लाह बहुत वक्त से पहले आकर के पहुंची थी उसके लिए शुक्रिया। जितने भी लोग आए हैं जितने भी साहबान आए हैं उनका सबका शुक्रिया, खेल देखने वालों का शुक्रिया और जितनी भी जहाँ पर जहाँ थोड़ी भी तकनीकी हो गई थी लेकिन उसका कोई नहीं इंशाल्लाह आगे सब ठीक होगा। गिरौरी की भी टीम अच्छी खेलेगी, गिरौरी की टीम भी अच्छा सुनहरा करेगी आगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि गिरौरी की टीम भी आगे खेल में उतरेगी, हो जाता है कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं और उसके लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बबन भाई ने भी काफी कामती को वो किया है, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। कसीम भाई का और जिन जिन्होंने इसमें काउंट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद भाई, मास्टर साहब, अयाज भाई और जितने भी यहाँ पर शिरकत करते हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी से कोई गलती हो गई हो तो उसकी ये माफी की जरूरत है। बहुत ही शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, बहुत ही मजा आया सबको और बहुत ही अच्छे तरीके से उमेश भाई रेफरी को थे उन्होंने खिलाया। तो शुक्रगुजार है हम आवाम का जो यहाँ आई और हौसला अफजाई करा टीमों का। और सबसे बड़ा जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं खलीफ भाई का करना चाहता हूँ कि खलीफ भाई से हमने कहा और वो फौरन तैयार हो गए और हर टाइम वो गिरौने के लिए और अपने गांव के लिए खड़े रहते हैं। कभी भी हमने ना इस्तबाकियाँ भी होती है हर चीज़ होता है लेकिन वो कभी इस चीज़ को नहीं देखते और जहां गांव का मसला आता है सबसे पहले सबसे आगे होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं खलीफ भाई का और मैं चाहता हूं सब ताली बजा कर उनका एक बार स्वागत करें। और उसके साथ जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है बप्पन भाई है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कसीम हैदर खां है हैदरगुरी नर्सरी वाले शाहजहांपुर से, जबकि हमारा 12 बस्ती से अलग 13वीं बस्ती में कोई हिस्सा नहीं देता था आज तक इंडिया, लेकिन पहली बार शाहजहांपुर से उन्होंने हिस्सा लिया और कमेटी को 25,000 रुपए दिए और एक गुमर के लिए जो है बहुत बड़ा कप लेके आए हैं। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हबीब भाई से मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, सबके सामने शुक्रिया। भाई माशाल्लाह तबीयत खुश हो जाती है, मैं दिल्ली बैठ के ही ऑनलाइन देख रहा था लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं आज लास्ट वाले दिन मैंने कहा आज जाके जरूर देखूंगा मैच को। और ये हमारा 12 बस्ती का एक शौक है और माशाल्लाह ये शौक जिंदा रखने के लिए हमारे गांव के लोगों ने, हमारे गाँव की कमेटी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसको स्टार्ट किया इस मैच को। और सारे 12 बस्ती के लोग, बल्कि 12 बस्ती के नहीं चार ही गाँव के लोग आए, टीमें आई हैं। तो खेल थोड़ा सा बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मजा नहीं आया, जो 12 गाँव की टीमें होती तो उसमें और मजा आता। और दूसरा ये कि भाई हमारे गाँव की टीम का मामला ये है माशाल्लाह बहुत बढ़िया खिलाड़ी है लेकिन हमारे गाँव के लोग जो लड़के हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इंशाल्लाह आगे बहुत बढ़िया काम करेगी हमारे गाँव की टीम भी और थोड़ा सा जो मसला हो गया था वो भी इंशाल्लाह सब सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों के सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर स्टेडियम की बात आती है बब्बन भाई ने जो भी कहा बिल्कुल बब्बन भाई जो बोलते हैं सही बोलते हैं सच बोलते हैं, उनके साथ हम भी खड़े हैं। 1,00,000 रुपए हमारी तरफ से भी अगर स्टेडियम में या कहीं भी कुछ बनाते हो इंशाल्लाह हम बिल्कुल साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब ये मजहर साहब जो बहुत इनका आवाज भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता, मैंने इन्हें देखा नहीं था। और फैसल मजर साहब की आवाज माशाल्लाह बात करने का अंदाज बहुत प्यारा है।
और बस जफीर खान का, मुजम्मिल खान का, हमारे गांव के लोगों का, असलम खान का और तस्लीम भाई प्रधान जी का, और साहब इनके साथ शाना बशाना रहते हैं ये राशिद भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत भाई का और तहसीन भाई का, हमारे अभी ज्यादा लोगों के नाम नहीं जानता इसलिए जिसका नाम नहीं ले रहा उसके, जफीर खान का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सही दफ्तर भाई हमारे शेर होटल का सबका बहुत शुक्रिया। इमरान भाई जो सुनार है मुस्तवाते जी की दुकान है, उन्होंने गुबराती को जीतने पर 3100 रुपए दिए हैं। अभी भाई कप्तान आए और ले जाए और बसी को 2100 रुपए देने वाला, दोनों टीमों के कप्तान आ जाए, गुबराती के लिए 3100 रुपए और बसी के लिए 2100 रुपए, दोनों कैप्टन आ जाए। उनका नाम क्या है? काशिफ भाई पहलवान रह चुके अपने टाइम के, बहुत जबरदस्त। और बुबराजी वाले मुझे लग रहा है यही खुशी मना रहे हैं, नहीं बड़ा कर लिया। मैं चाहूंगा जफीर भाई से कि जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनको मेहमान को लेकर जफीर भाई ने ये टूर्नामेंट कराया है तो सिर्फ इसको जो कराया है इसलिए कराया है ताकि ये आगे बढ़ता रहे, हमेशा हमेशा बढ़ता रहे। और इसी तरह से छोटी मोटी जगह बात है, ये खेल है, इसमें हो जाता है। ये तो दिमाग से निकाल दे कोई भी आदमी, यहाँ से ये बात ले जाना जाए कि यार पुराने नहीं क्या, पुराने नहीं क्या, जो बातें यही छोड़ जाए, यही तो तारीफ हमारा दिल में नहीं रखते फील्ड तक ही छोड़। बात ये है कुल मिला के, और जितने भी भाइयों ने इसमें टाउन किया है उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जहाँ भी ये जहाँ भी बनाएंगे स्टेडियम उसके लिए 1,00,000 रुपए मेरी तरफ से। बार-बार एक ही बात कही जा रही है कि 1,00,000 रुपए का इनाम अगर कोई फील्ड बनवाते हैं, जगह हमारे गांव में बसी में है और बसी में फील्ड बनवाने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और इंशाल्लाह नवंबर के महीने में बसी में ये कबड्डी का टूर्नामेंट, अगर आप सब लोग सारे 12 बस्ती की टीमें लाने के लिए तैयार हो तो बसी में टूर्नामेंट है नवंबर में, 1,01,000 फर्स्ट इनाम, 51,000 सेकंड इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया ताज भाई। लेकिन गिरौरे के अंदर खेल का मैदान सरकारी दायरों में रजिस्टर्ड है, हमारे पास बहुत अच्छा मैदान है जो चारों तरफ बैठने का बहुत अच्छा इंतजाम है, तो इंशाल्लाह स्टेडियम की तरह और उसके लिए पास भी हुआ हुआ है ना जी, तो मैं बब्बन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। और बब्बन भाई तो सरकार में है, उम्मीद करते हैं यही कुछ करवाए। मैं अपने दिमाग में ले रहा हूँ, सरकार की नहीं ले रहा, अपने भाई आप जो है सरकार चल रही है, आप उसके अंदर है, अगर हमारी आएगी तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी आपकी है तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें पूरा योगदान करें। आपकी सरकार है, आपकी मैं कितने सरकार में रही हूँ, हमें करो शॉर्ट आउट, हमें चाहूंगा भाई साहब मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी गड्डी वाले थे उनके पास मेरी चप्पल लेते हैं वो दो फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ जिसके पास मेरी चप्पल है वो बन जाए, बात नहीं चप्पल चप्पल कर, हमें चाहूंगा हमारे क्षेत्र की एक ऐसी अजीम तरीन शख्सियत है रहमान साहब और बब्बन में कहा जाता है जिन्होंने गंगा जमुना जैकेट को जिंदा किया हुआ है, उनको मेहमान तो देकर उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करें, इज्जत अफजाई करें। जफीर भाई किसके जाएंगे, मैं चाहूंगा सलीम भाई उनको मेहमान तो दें।
एक और हस्ती हमारे बीच में पहली बार पूरी बाराबस्ती ने देखी होगी और जो जानते भी हैं कसीम हैदर साहब, जिन्होंने आज एक ऐसी ट्रॉफी टूर्नामेंट में लाकर जैसे टूर्नामेंट को कराने में चमक आई है, वैसे ही इस ट्रॉफी को देखकर पूरे खिलाड़ियों में चमक आई होगी। मैं कसीम हैदर साहब को बुलाना चाहूंगा और उनको मोमेंटो देखकर नवाजना चाहूंगा प्लीज, और बपन जैसे गुजारिश करूंगा जो उनको मैं मुझसे दे। कसीम भाई हैं और जगह छोड़ दो भाई, और कसीम भाई दोनों भाई को लेकर मोमेंट दे। अजय भाई ने बहुत कुछ बोला है मेरे लिए और मैं आप तमाम लोगों को बहुत एक मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो एफएम टॉक शुरू किया है, मैं दिल से बता रहा हूँ, ना किसी के लिए बुरा चाहते हैं और ना इंशाल्लाह कभी चाहेंगे। मैंने सोचा था कि हम 1.5 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर यहाँ से करके जाएंगे तब कहीं जाएंगे दिल्ली काम करने के लिए, लेकिन जो जैसे सपोर्ट करता है, जो जैसे मोहब्बत करता है, मुझे ऐसे ही देखते हैं और इंशाल्लाह बाराबस्ती का भला करने की सोचिए और हमेशा भला करेंगे। मैं बुलाऊंगा खलील भाई को और दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा बपन शाह और साथ में कसीम हैदर भाई, वो उनको मैं मंच दे देते। खानपुर खाना ऐसो साहब, मैं चाहूंगा उनके बिहार पे कोई भी आके मोमेंट को ले ले प्लीज। है कोई आ रहे हैं? ठीक है, रास्ता छोड़ दो थोड़ा, रास्ता साइड दो, साइड दो, अभी बताने से चाहूंगा कि वो ये उनको दे दे, इसी बना दो और पूछो साइड दो साइड। मुजम्मिल भाई और दफीर पठान जी उनको दे दे, ये ऐसे साथ के लिए ताली बजा दो भाई। तो साथ में पूरे जो मैंने बहुत बात किया होगा आदो, बड़ी तालियां बज रही थी यहाँ ना बज रही। भाई समय की कहीं ना मुझे रखते हो परिवार की लकड़ी की उठारी के बड़ी भाई लकड़ी की। मैं चाहूंगा सबसे पहले तस्लीम भाई के नाम नहीं, तस्लीम भाई आ जाए प्लीज, तस्लीम भाई कभी भाई आप ही उनको ये मोमेंट से देंगे क्योंकि दोनों ने बहुत मेहनत की है और दोनों की जोड़ी ने दोनों एक से अधिक प्रदान किए जाओगे, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा नाम है मुजम्मिल भाई, मुजम्मिल भाई आप ही आ जाइए, आपने पूरी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने में, आप शाना बशाना रहे हैं। तहसीम भाई से चाहूंगा कि वो आए और उनको ये मोमेंट दे। तहसीम भाई चलेंगे, कोई और ना बताइए, तो सफीर भाई दे रहे हैं, चलिए इनाम जो है मैं चाहूंगा, राशिद शाह जो कुछ हुआ तो हुआ लेकिन आप शाना बशाना रहे हैं, काफी कुछ हुआ है, आप ये मोमेंटो जो है जफीर भाई को आप अपने हाथ से दे दीजिए प्लीज। और इनके बाद खुर्शीद सैफी साहब तैयार है, खुर्शीद सैफी साहब, खुर्शीद सैफी साहब ये प्रधान है वर्तमान करौरा से, और अगला नाम है करीमुद्दीन भाई फ्रॉम ग्रोरा, करीमुद्दीन भाई फ्रॉम ग्रोरा, वो भी आ जाए, लाइनअप हो जाए जल्दी से, करीमुद्दीन भाई ग्रोरा गए हो गए, मुजम्मिल भाई ले लेंगे उनके भी आते, वो है नहीं। डॉक्टर सलीम साहब फ्रॉम ग्रोरा, मैं चाहूंगा बहुत दूर से दिल्ली से जो है अपना काम छोड़ के असलम भाई आए हुए हैं यहाँ और उन्होंने पूरा टूर्नामेंट देखा है और हेल्प भी की है कमेटी की,
तो मैं वो चाहूंगा वो आए और अपना मोमेंटो ले ले। अकरम भाई इनका होटल दिखा है दिल्ली से। सलीम भाई है, सलीम भाई का किसी होते थे ना, सलीम भाई का अभी सलीम भाई एक और दे दी रवि भाई जल्दी बोला नहीं। सलीम भाई बहुत अच्छी कबड्डी भी खेलते थे, मुझे लगा सन्यास का टीम का चलो आप लोग अभी नहीं खेलेंगे। एक लाख रुपए का इनाम सुनकर फिर तो जवाब होगा। ठीक है असलम भाई आ जाए प्लीज अपने इनाम लेने। असलम भाई के बाद तैयार है खलीफुल जमा भाई सही दफ्तर से इनाम दिला रहे हैं असलम भाई। इसके बाद खलीफुल जमा भाई आ रहे हैं खलीफुल जमा भाई। सारे भाई तुम बड़ा बे 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 हो जाओ। हां आवाज आ रही है किसका था मतलब भाई तालियां भाई कहानी सब कुछ बढ़ गया। तहसील भाई के बिहार पे कॉल लेने आ रहा है प्लीज। साजिद भाई आ जाइए प्लीज आ जाइए साजिद भाई आ जाइए। चलो कोई बात नहीं अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए ट्रॉफी है वो लग रहा है। मैं चाहूंगा आप जो भी गेस्ट उनको ट्रॉफी दे दो वो ट्रॉफी रखी हुई मिल जाएगी प्लीज ट्रॉफी उठा अब ये जो ये ट्रॉफी है ये हिंद गुरु जो एकेडमी है नूर नवाज साहब जो उन्होंने कॉपरेट किया है हमारे टूर्नामेंट के लिए अबू फजल से बैठ के उनके भी आपको मैं ही ले लेता हूँ उनको पहुंचा दी जाएगी। दूसरी ट्रॉफी उठा दे जो शेरपुर से कबड्डी का काफी शौक रखते हैं अब्दुल रहमान भाई फ्रेशकिन और बिजनेस प्रमोटर हैं और हमेरा कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनके भी आपको भी ले लेते हैं ये रख दीजिए पहुंचा दी जाएगी। तीसरा नाम है हकीम आरिफ साहब उगरासी आ जाए हकीम साहब जल्दी आ जाए। और मैं चाहूंगा हनीफ भाई से और जुबैर अहमद खान साहब से उनको ये मोमेंट दे दे प्लीज आ जाइए आरिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया टूर्नामेंट में सभी भाई ने डिसीजन लिया था क्योंकि केसीपुर की टीम इकट्ठा नहीं हो पा रही थी लेकिन पता नहीं किन मुश्किलात का सामना करके केसीपुर की टूटी फूटी टीम लेकर आए थे। मैं चाहूंगा केसीपुर के उस ए टीम के जो भी लड़के हैं यहाँ पर हैं वो आ जाए वो मोमेंट को ले ले प्लीज मुझे अख्तर भाई प्लीज मुझे अख्तर भाई केसीपुर का और जो खिलाड़ी अगर ग्राउंड में मौजूद है प्लीज आ जाए कोई और खिलाड़ी हो केसीपुर की टीम का पूरी टीम के लिए इनाम दिया है गिरोरे ने स्पेशल टीम का इनाम दिया है वो मैं सारा इनाम लाके आप तमाम खिलाड़ियों को दे दूँ। ठीक है अब किसका इनाम रह गया भाई वॉलंटियर ने बहुत काम किया है वॉलंटियर्स का इनाम दे रहा हूँ वॉलंटियर्स का नाम है उम्मीद अहमद यासीन चौधरी शहादत नफीस सारी भाई कसला चलाया उन्होंने भी बहुत मेहनत की है सारे वॉलंटियर जितने भी प्लीज लाइन अप हो जाए सारे वॉलंटियर प्लीज वॉलंटियर
आ जाओ भाई आगे आ जाओ। छोटी वाली ट्रिकर दे दी जो कि आ रहे हैं भाई जहाँ भी आ जाए जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको थोड़ा सा जल्दी है इनाम गुफे भाई बाद में बांटे जाएंगे तो मैं चाहता हूँ रंगा टीम और विनर टीम हाँ वो दे देना बाद में दे देना देखिए बना दो चौथे टीम को नहीं दिया जाएगा तीसरे को बना दो देखिए बना दो ये रनर टीम ये रनर टीम रनर टीम पहले रनर टीम आएगी पहले रनर टीम रहने को पसी वाले लाइन अप हो जाए प्लीज कैप्टन का लगती है कसीम भाई कहें कसीम भाई आगे आ जाए प्लीज कसीम भाई थोड़ी देर 10 मिनट के लिए आ जाए आगे दूसरे खिलाड़ी आ जाए तो सीखे शारिफ भाई आओ आगे ठीक है बाबर भाई है चलिए शारिफ भाई आगे चलिए आओ इधर को दे जाओ यहाँ तुम्हारे ये सब कुछ ताली बजा लो ताली बजा लो ट्रॉफी उठा उठा के लेते रहिए बस जल्दी अब मैं चाहूंगा रनर की जो ट्रॉफी है वो उठा दे रनर की जो ट्रॉफी है वो उठा दे ये आर्यन भाई हैं इंतजाम में ट्रॉफी उधर ही उधर ही ये अभी ये और ये मेरे लिए एक साथ कप्तान को दे दो एक अफ्रास का लेना है एक साथ ही दे दो आ जाए कप्तान आ तो देखिए वहां तो उठा के वहां रख के कप्तान आ जाए बसी डबल डबल ना चलने की है बसी के कप्तान आ जाए कप्तान मैडम प्राइज था वो भी दे दे भाई अपने गले में ही आ रहे भाई तालियां तो हो जाए तालियां
वैसे मैं गांव वालों की बात कभी नहीं करती मैंने, मेरा इरादा है इंशाल्लाह खेलने का। ये लिफाफा और है ₹25,000 ये वो है आपके, क्योंकि हमने पहले इनाम रखा था 1,50,000, लेकिन आप तमाम नुमाइंदों की सहमति पे हमने इनाम को 25,50 कर दिया। तमाम प्लेयर्स पैसों के लिए नहीं आते, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो इज्जत अफजाई मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, पैसे तो कमाने के लिए लोग टाइम निकाल के दिल्ली से जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वो पैसे का कोई मैटर ही नहीं। और जितने भी हमारे मेहमान हैं उन तमाम से चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है टूर्नामेंट के लिए, ये जो ट्रॉफी रखी है ये वन बाय वन खिलाड़ी आए और अपनी ट्रॉफी दे रहे। मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो खुदी मेहमान हैं कसीम खान, वो कुछ कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, भी मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बात करें। कसीम हैदर पहले तो हमारे ये मौके सर है मुजफ्फर खान और जफीर भाई वगैरह गिरोह के लोगों को सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतनी इज्जत की है, और इस इज्जत के साथ एक ऐलान मैं भी कर रहा हूँ। जो प्रधान जी ने जैसे ऐलान करा है टूर्नामेंट का, 50,000 इनाम सेकंड मेरी तरफ से होगा। अगर कबड्डी का टूर्नामेंट होता है और तमाम जिंदगी जब तक मैं जिंदा हूँ और अल्लाह पाक मेरे हौसले को रखे, हमेशा बाराबस्ती के इस टूर्नामेंट से जुड़ा रहूंगा और कोई ना कोई इनाम पद का सेकंड मेरी तरफ से जिंदगी भर रहेगा जब तक मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बनने बन करके आ जाएं, और ये मेडल और एक ट्रॉफी यहाँ से आप आ जाइए। अभी भाई भाई थोड़ा गैप बना लो, थोड़ा सा चल रहा है लाइव, चल रहा है भाई, अब देख रहे हैं। ताली बजा, ताली बजा। बहुत बढ़िया पसंद किया आपने, शानदार, बहुत बढ़िया खेल के, बहुत बढ़िया लड़का भी बहुत शानदार पकड़े करता है, बहुत बढ़िया खेल दिखाया आपने बगरा की तरफ से। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया खेलो, धन्यवाद खेलो, बहुत बढ़िया खोल के पट्टा खोल के देखे, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई को छोड़ बहुत शानदार शहजाद आए हैं, और आज का बेस्ट कैचर जिसको माना गया है शुएब, बहुत अच्छी पकड़े हुई है, बहुत शानदार, थोड़ा गैप बना लो आप ही के लड़के फ्रेम में, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार गेम तुम्हारा, बहुत लाजवाब, चलो आगे नेक्स्ट। तालियां, बहुत बहुत चलिए चलिए चलिए।
उसके बाद ये सब सैलरी खेल के डालेंगे बहुत बढ़िया मुबारक बहुत बढ़िया ये इस बार शानदार क्रिकेट खेलता है बेहतरीन विकेट कीपर है बुखारी भी बाघों के टाइम में लगी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सबका बाघों का काम है इनका बहुत शानदार बहुत लाजवाब अब कोई रहा तो नहीं है अब मैं चाहूंगा रफीर भाई से कप्तान को जो उनकी फसल की जो ट्रॉफी है दो ट्रॉफी लेके जाएंगे स्पेशली वो क्योंकि रफीर भाई की ट्रॉफी लेके आएंगे और एक ट्रॉफी तो मैं चाहूंगा हरी भाई मेरा बना लो पहले थोड़ा पीछे हो जाओ भाई सुनो पूरी टीम जो है ना बुखार सिंह की यहाँ खड़ी होगी इनके साथ मेहमानों के साथ खड़ी होगी क्योंकि दो ट्रॉफी है थोड़ी जगह बना लो कोऑपरेट करो थोड़ा सा 10 मिनट 10 मिनट सब कुछ खत्म प्लीज पीछे तसीम भाई और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा चारों लोग ये ट्रॉफी दे कप्तान को कप्तान ने हबीब भाई और सौलत भाई तुम भी लंबा करके हाथ लगा लो तुम कप्तान से कम नहीं हो कुछ लगा लो हाथ इधर को तो चेहरा मुंह इधर कर लो दो आदमी एक ट्रॉफी में हाथ लगा लो दो आदमी एक ट्रॉफी में हाथ लगा लेना कोई बात नहीं बहुत बढ़िया ट्रॉफी लेके दे दो बाकी खिलाड़ियों को एंजॉय ये 50,000 रुपए कमेटी की तरफ से इनाम के इस लिफाफे में जो कमेटी ने इनाम का बना लो भैया तुम्हारी टीम जीती है बड़े वाले तो ले लो बड़ी पहले गोला बनाओ पहले पीछे सन 2000 में एक टूर्नामेंट जीता था उसकी यादें ताजा कर दी ट्रॉफी ने और बच्चों ने एक बार फिर इतिहास अब मैं इसमें FM टॉप जिन्होंने काफी टूर्नामेंट में सहयोग किया फैसल और मदर इनसे गुजारिश करूंगा गाने फैसल का और मदर का बहुत मेहनत मेरी दुआ है कि FM टॉक और तरक्की करे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हो और FM टॉक और तरक्की करे मेरी दुआ है एक FM टॉक के थर्ड नुमाइंदे हैं ये वाली है उठाइए सरताज खान ये इनके सहयोगी हैं सहयोगी के रूप में काम करते हैं बहुत
आज मैं जो जुमाने रात में लड़ने के लिए गालिब खान था, अब उनका मैं गुजारिश करूंगा। गालिब खान इन्होंने कतले से बहुत ज्यादा खाड़े में खिदमत की है। पूरी दुनिया में बहुत मेहनत वसीम जोबोपुर, वसीम जोबोपुर, वसीम जोबोपुर, चैनल को सब्सक्राइब सब क्या हो, बहुत बढ़िया क्या होने, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें भाई, मैं नहीं कहा जा रहा कैसे कहो ये भाई मोगरा सी विनर अपना ट्रॉफी लेके साथ जा चुकी है और बहुत खुशी हैं ये सब लोग, खुशी के हैं। हाँ हो गया अभी काफी ट्रॉफी रह चुकी है कुछ बटने के लिए जो कि कमेटी की तरफ से है, ये भी काफी ट्रॉफी है, टाइम है अभी बहुत चीज। हेलो भाई साहब, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है बोरा से ट्रॉफी लेके जा चुके हैं इसी के साथ एफएम टॉक। चैनल के लिए कुछ बोल, चैनल के लिए कुछ, हाँ हाँ ये कुछ करो।